नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। डेली की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ चार लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। मतलब अपने गलतियों में लाएं और निरंतर कार्य करते रहें, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके लक्ष्य को पाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास प्रशिक्षण का आरंभ कहां किया गया? तो देखिए विकल्प दिया गया है, पहला नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, नेपाल में आयोजित किया गया। हम लोगों ने कई बार इस पे चर्चा कर रखा है। अगर पूछा जाए सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है, तो यह भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में ध्यान रखना है, यह द्विवर्षीय युद्धाभ्यास है और ये निरंतर कभी भारत में और कभी नेपाल में इसका आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में हम ध्यान रखेंगे ये क्रम कौन सा है, तो ये 16वां संस्करण है। कौन सा है? 16वां संस्करण है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसी क्रम में हम ध्यान रखें कि नेपाल की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी जो है वर्तमान में यहां की राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो शेर बहादुर देउवा जी जो हैं, ये वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे 8848 मीटर। कितना? 8848 मीटर है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे, तो आप ध्यान रखें तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी जो है, ये पहले पर्वतारोही जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन हैं, तो नेपाल के ही हैं, कामी रीता शेरपा जो हैं, ये सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही के रूप में हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो आप ध्यान रखेंगे मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स जो युद्धाभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। यही भूलना नहीं है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है संप्रीति युद्धाभ्यास किन किन के बीच में होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में हम लोग वर्ष भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविजन कर रहे हैं दैनिक समसामयिकी की, तो आइए उनका भी रिवीजन करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का पहला देश है जो तैरता हुआ शहर का निर्माण कर रहा है। इसी क्रम में अगला है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि यूके का है, इसके द्वारा सिंथेटिक भ्रूण बनाया गया है। अगला है हमारा, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है, तो न्यूयॉर्क के विधानमंडल, यूएसए का जो विधानमंडल है, इसके द्वारा राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हाल ही
ही में किन भारतीय उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए, पहला दिया गया गमोचा, इसी में शामिल है तंदूर रेड ग्राम, दूसरा हमारा विकल्प है खुबानी सफेद प्याज, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प जो है विकल्प नंबर बी है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि जीआई टैग जो है किस संस्थान की पहल है प्रदान किया जाना, तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संगठन की पहल है जीआई टैग प्रदान करना। इसकी स्थापना कब होती है? 1967 ईस्वी में होती है। और इसका मुख्यालय है जिनेवा। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का शहर है, यहां पर स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको ध्यान रखना है किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम 1999। कौन सा अधिनियम? 1999 द्वारा 2003 में पारित किया गया और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि पहला, भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रोडक्ट क्या है या उत्पाद क्या है, तो दार्जिलिंग चाय है, जो कि 2004 में सबसे पहली बार इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें जो हमारे विकल्प दिए गए हैं कहां से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है और इनका आधार क्या है, तो आप ध्यान रखें जो गमोचा दिया गया है यह असम राज्य से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है, और यह तौलिया है। क्या है? ये तौलिया है, तौलिया है, यह भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर तंदूर रेड ग्राम की बात करें, तंदूर रेड ग्राम की बात करें, तो यह चना की प्रजाति है और यह कहां से संबंधित है? तेलंगाना। कहां से? तेलंगाना से संबंधित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें खुबानी की, खुबानी यह लद्दाख का है और यह एक प्रकार का फल है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और सफेद प्याज जो है यह कहां से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अब यहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको देखना है। अगर पूछा जाता है जीआई टैग किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संगठन के द्वारा दिया जाता है। कब इसकी स्थापना होती है? 1967 में होता है। इसका मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अधिनियम 1999 के द्वारा 2003 में पारित किया गया और 2004 में पहला दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। और वर्तमान में ये जो हमारा विकल्प है क्वेश्चन का, इसमें गमोचा का आस है, तौलिया है, जो असम राज्य से संबंधित है। तंदूर रेड ग्राम की बात करें तो ये चना की प्रजाति है, जो तेलंगाना से संबंधित है। खुबानी की बात करें तो लद्दाख राज्य का फल है। सफेद प्याज की बात करें तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगर एक प्रश्न और देख लिया जाए कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो 432 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। इसी क्रम में हाल ही में हम लोगों ने मित्रों पढ़ रखा है कि हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो यह कहां किया गया था, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वाराणसी में किया गया था। कहां? वाराणसी में किया गया था, आपको भूलना नहीं है। एक प्रश्न और अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग किसको दिया गया है, तो आप भूलेंगे नहीं, हैदराबादी हलीम। कौन? हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग से जीआई टैग प्रदान किया गया है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां पसंद आ रही होंगी। यकीन मानिए जब भी परीक्षाएं होंगी यहीं से या ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप यकीन से, विश्वास के साथ, संस्था के साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। आइए इसी क्रम में पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में शामिल होने वाला 56वां देश कौन सा है? देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टोंगो है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए टोटल राष्ट्रमंडल में शामिल देशों की संख्या कितनी है, 56 है, 56वां कौन है? टोंगो है। तो 55वां कौन था? तो गैबोन जो है, ये 55वां राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाला देश था। इसी क्रम में 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? तो ये क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया है। अगर इसी क्रम में 2022-23 के लिए यह सीईओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाराणसी को। इसको नहीं भूलना है, हम लोग इसको कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की किस योजना को 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी है। देखिए, पहला है जन धन योजना, दूसरा है आयुष्मान योजना, तीसरा नमामि गंगे योजना, चौथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कभी कोई भी परीक्षा हो रही है वर्तमान में तो वहां से योजनाओं से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जो पुरानी योजनाएं हैं और मोस्ट पॉपुलर योजनाएं हैं, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो योजनाएं हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं, तो उनके पहलुओं को आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। अब अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र से, तो हाल ही में हम लोगों ने मित्रों पढ़ रखा है COP15 के बारे में, जो कि किससे संबंधित था? जैव विविधता। किससे? जैव विविधता से संबंधित था। और इसका आयोजन कहां किया गया है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहां? कनाडा के मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन किया गया था। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये 10 जो विश्व की 10 पुनर्जीवित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में नमामि गंगे योजना को शामिल किया गया है। यहां इससे प्राकृति की बहाली के क्षेत्र में किया गया उत्कृष्ट कार्य के रूप में इसे पुनर्जीवित योजना के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित कि नमामि गंगे योजना भारत में कब प्रारंभ की गई थी, तो 2014 में इसे प्रारंभ किया गया था। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन? नमामि गंगे योजना। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं, ये वर्तमान में क्या हैं? ये केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी के रूप में किसे जाना जाता है, तो गंगा नदी जो है ये सबसे लंबी या बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। ये कितने किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है? 2525 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है गंगा, कहां? भारत में। इसी क्रम में ये योजनाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए जनधन योजना की, तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन की योजना कौन है? तो जनधन योजना है, ये 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में अगर आयुष्मान योजना की बात करें, तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ किया गया था। और ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, 5 लाख कवर देता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कब योजना प्रारंभ हुई, तो 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है क्वाप से, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जैव विविधता के क्रम में, और इसका जो आयोजन किया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। और यहीं पर यूएन के द्वारा नमामि गंगे को 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया। इसी क्रम में अगर पूछ लिया जाए COP27 का आयोजन कहां किया गया था, तो इसका आयोजन मिस्र में किया गया था। कहां किया गया था? मिस्र में। अगर पूछ लिया जाए COP19 का आयोजन कहां किया गया था, तो पनामा जिसकी राजधानी क्या है? पनामा सिटी है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। आइए इसी क्रम में पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्मिंग जारी किया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा जारी किया गया है, याद ध्यान रखना है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो गूगल के द्वारा पेश किया गया है। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप फुगाकू, याद रखना है फुगाकू 1, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के मध्य में काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा? यहां देखिए, पहला विकल्प दिया गया राजस्थान, दूसरा मेघालय, तीसरा
तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उड़ीसा। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर बी सही है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलांग है और यहां एक स्थल है उमरोई। उमरोई स्थल पर किस किस के बीच में? भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है कौन सा युद्धाभ्यास? काजिंद। कौन सा? काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि काजिंद युद्धाभ्यास भारत और किस देश के सहयोग से या किन देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में यहां कजाकिस्तान से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा अस्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो यह कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान है। साथ ही साथ पूछा जाता है यूरेनियम के उत्पादन में अग्रगणी देशों की सूची में कौन है? तो यह कजाकिस्तान है। हाल ही में चर्चा में रहा है कजाकिस्तान की राजधानी जो कि पहले अस्थाना थी लेकिन उसको परिवर्तित करके नूर सुल्तान किया गया था, पुनः नूर सुल्तान के स्थान पर कजाकिस्तान की राजधानी को क्या किया गया है? तो अस्ताना किया गया है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है अगर आपसे पूछा जाए विंबलडन 2022 टेनिस का ग्रैंड स्लैम है, तीसरा ग्रैंड स्लैम है, इसको जीतने वाली पहली एशियाई महिला या पहली कजाक महिला कौन है? तो एरिना रिबाकिना है जो कि कजाकिस्तान देश से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में बात हो रही थी मेघालय की, तो आप ध्यान रखेंगे चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो इसका आयोजन मेघालय में किया जाता है। गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी कहां से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहां से संबंधित है? तो यह भी मेघालय राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें यहां राजस्थान की, तो हाल ही में गरुड़ जो कि भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है, इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है और यह कहां किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो भारत में आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित होने वाली पहली भूमि कौन है? तो वो चिल्का झील। कौन? चिल्का झील है। और इसका संबंध कहां से है? तो आप ध्यान रखेंगे चिल्का झील का संबंध उड़ीसा राज्य, कहां से? उड़ीसा राज्य से है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर युद्धाभ्यासों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में? भारत और सिंगापुर। इसी क्रम में यूएसए के बीच में कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो आप ध्यान रखेंगे वज्र प्रहार के साथ साथ टाइगर ट्रंप नामक युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किन किन देशों के बीच में किया जाता है? तो भारत और यूएसए के बीच में किया जाता है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए खंजर युद्धाभ्यास किस किस के बीच में किया जाता है? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में किया जाता है। अल नगाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं, इनको जरूर आपको याद रखना है। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। हाल ही में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा। और किसके द्वारा किया गया है? तो यह भी आप ध्यान रखेंगे लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? तो फाल्कन 9 है। और यह किसका है? स्पेसएक्स का है। और 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क थे। 2022 के कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की है। यह भी आपको याद रखना है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोक INS विक्रांत, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, का कमीशन कहां से किया गया है? तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो डेट याद रखें 2 सितंबर को किया गया है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया, जिसका नाम क्या है? माया है। यह किस देश ने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। क्या? किसने बनाया है? चीन ने बनाया है, आप याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
हाल ही में कौन सा देश 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप का मेजबानी करेगा? यहां देखिए विकल्प दिए गए, पहला चिली, दूसरा फ्रांस, तीसरा मोरक्को, चौथा अर्जेंटीना। जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही है, मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। क्या है? रबात है। और 2023 में आयोजित होने वाला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये मोरक्को में किया जाएगा। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, चिली की बात करें इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो है। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें फीफा की तो आपको ध्यान रखना है फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 ईस्वी में होता है। और ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। इसी क्रम में वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो जो है वर्तमान में फीफा के प्रमुख है। इसी क्रम में हाल ही में भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। तो इसमें विजेता देश कौन रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे स्पेन विजेता रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? कोलंबिया। कहां? कोलंबिया। अब इसका ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहां किया गया था? तो भारत में किया गया था। और भारत के किन शहरों में? तो याद रखेंगे उड़ीसा। कहां? उड़ीसा। साथ ही साथ नवी मुंबई। कहां? नवी मुंबई में। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे एक शहर और गोवा। कहां? गोवा में आयोजन किया गया था। और उड़ीसा राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल योजना प्रारंभ की गई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि फुटबॉल फॉर ऑल योजना किससे संबंधित है? तो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन हो रहा था इसी का ज्यादा से ज्यादा युवाओं में फुटबॉल के प्रति आकर्षण या खेल के प्रति आकर्षण करने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना प्रारंभ की गई थी। एक प्रश्न महत्वपूर्ण अर्जेंटीना से पूछा जाता है पंपास नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए डाउंस नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। कहां? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण फुटबॉल से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब होती है? तो 1937 में होता है। हाल ही में इसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं कौन? तो कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया है। और आपको ध्यान रखना है भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री हैं। और महिला के रूप में पूछा जाए तो मनीषा कल्याण। कौन? मनीषा कल्याण है, आपको भूलना नहीं है। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। ये अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दानूरी। क्या नाम है? दानूरी है। अगर पूछ लिया जाए नूर उपग्रह का संबंध कहां से है? ईरान से है। और दानूरी का संबंध कहां से है? दक्षिण कोरिया से है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में विभाजक रेखा कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे 38वीं समांतर रेखा। अगला हमारा है IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से आर्टिफिशियल कार्निया विकसित किया है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य ने भारत की पहली वेधशाला स्थापित की है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा स्थापित किया जाएगा, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ओलंपिक 2022 आयोजन समिति के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां ध्यान रखेंगे 2032 है ये। विकल्प दिया गया है सिंडी हुक, दूसरा थॉमस बाब, तीसरा दिया गया है डॉक्टर तैयब, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए सही है। आइए इस प्रश्न के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सीखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अगर बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? तो आप जरूर ध्यान रखें 23 जून 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है? तो लुसाने। कहां है? लुसाने
स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है या अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाब। कौन है? थॉमस बाब है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो अभी 2020 का जो ओलंपिक है, इसका आयोजन कहां किया गया था? तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था, और क्रम कौन था? 32वां। अगर भारत की बात इसमें देखें, तो भारत टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक? 7 पदक जीतकर 48वें पायदान पे रहा, और एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। इसी क्रम में अगर पैरा ओलंपिक की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भारत ने 24वां स्थान प्राप्त किया। टोटल पदक कितने? 19 पदक प्राप्त किए थे। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा, और इसका शुभंकर भी निर्धारित किया जा चुका है। क्या है? तो फ्रेजियन कैप है, जो कि फ्रांस की आजादी का प्रतीक माना जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें 2028 का ओलंपिक का कहां आयोजन किया जाएगा, तो लॉस एंजल्स में, जो कि यूएसए में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा 2028 में, यह भी ध्यान रखेंगे। और 2032 की बात करें, तो 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 2032 के ओलंपिक के लिए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें हाल ही में भारतीय ओलंपिक, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, भारतीय ओलंपिक की निर्विरोध अध्यक्षा या पहली अध्यक्षा चुनी गई है किसे? तो याद रखेंगे पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा है। इन्हें उड़नपरी या प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कौन है? तो पीटी ऊषा है, और यह पहली महिला के रूप में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1927 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1927 ईस्वी में होता है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर तैयब के बारे में, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर तैयब अली को नियुक्त किया गया है, और ये किस देश से संबंधित है? ये पाकिस्तान से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए पुनः रिविजन की सीरीज को देखते हैं। ओमिक्रॉन वायरस के लिए वायवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम या यूके। IBM क्वांटम नेटवर्क के में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास है। कौन है? IIT मद्रास है। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये आप ध्यान रखेंगे अभी 2023 में आयोजित होना है, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता? यहां देखिए पुंडेरी पल्टन है, दूसरा बंगाल वॉरियर है, तीसरा बंगलुरु बुल्स है, चौथा जो दिया गया है जयपुर पिंक पैंथर है। यहां जो हमारा सही विकल्प है जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा यह खिताब जीता गया है, और यह दूसरी बार जीता गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। वीवो प्रो कबड्डी लीग कब प्रारंभ होती है? तो आप ध्यान रखेंगे 2014 में प्रारंभ होती है, और पहला संस्करण किसने जीता था? तो जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया था, और 9वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया है? यह भी जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया है। अगर पूछा जाए कि उप विजेता कौन रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे पुंडेरी पल्टन जो है यह उप विजेता रही है, और 8वां किसने जीता था? तो आप ध्यान रखेंगे 8वां किताब किसने जीता था? तो बेंगलुरु बुल्स के द्वारा जीता गया है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अब हाल फिलहाल में आपके कुछ महत्वपूर्ण खेल से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए थॉमस कफ पहली बार किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, और यहां उप विजेता कौन रहा है? इंडोनेशिया रहा। अगर पूछा जाए डूरंड कप यह फुटबॉल से संबंधित है, और 131वां है, एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल का
ट्रॉफी है, उसका नाम क्या है, डूरंड कप है, और 131वां संस्करण है, और बंगलुरु के द्वारा इसे जीता गया था। अगर पूछा जाए संतोष ट्रॉफी या भी किससे, फुटबॉल से संबंधित है, और यह 75वां संस्करण था, केरल के द्वारा जीता गया है। अगर पूछा जाए उबेर कप किसने जीता है, तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण कोरिया के द्वारा उबेर कप जीता गया है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर पूछा जाए रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश ने, किसने, मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता है, तो सौराष्ट्र की टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। इसी क्रम में टी ट्वेंटी एशिया कप पुरुष वर्ग की बात की जाए, तो इसका आयोजन यूएई में किया गया था, और विजेता कौन रहा, तो श्रीलंका रहा, और उप विजेता कौन रहा, तो पाकिस्तान रहा। जबकि महिला वर्ग में टी20 एशिया कप महिला वर्ग की बात की जाए, तो विजेता टीम के रूप में भारत रहा, ये भारत की महिला टीम रही, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। इसी क्रम में नहीं भूलेंगे आप आईपीएल का कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था, और इसका भी आयोजन यूएई में किया गया था, और आप ध्यान रखेंगे स्पॉन्सर कौन था, टाटा था, और साथ ही साथ आपको याद रखना है विजेता कौन रहा है, तो गुजरात वॉरियर रहा है, और यहां के कप्तान कौन रहे हैं, हार्दिक पांड्या जो हैं यहां के कप्तान रहे हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो मोहम्मद शमी बने हैं। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, तो अहमदाबाद को किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में 2022 में मनाया जा रहा द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से प्रारंभ किया गया, यहां देखिए पहला हमारा विकल्प दिया गया 19 दिसंबर, दूसरा 16 दिसंबर, तीसरा 24 दिसंबर, चौथा 25 दिसंबर। जो सही विकल्प हमारा विकल्प नंबर ए सही है, 19 दिसंबर से प्रारंभ किया जा रहा है दूसरा सुशासन सप्ताह। अगर हम बात करें सुशासन दिवस के बारे में, सुशासन दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। और दूसरी बार इसको मनाए जाने की सप्ताह के रूप में 19 दिसंबर से प्रारंभ करके 25 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही थी दिवस की, तो जरूर याद रखेंगे 16 दिसंबर के बारे में, तो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर 24 दिसंबर की बात करें, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर की बात करें, तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आप ध्यान रखेंगे वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करें, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ही 5 दिसंबर की, तो आपको भूलना नहीं है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ 10 दिसंबर के बारे में ध्यान रखें, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में आप 23 जनवरी नहीं भूलेंगे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 16 मार्च को टीकाकरण
टीकाकरण टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो तमिलनाडु में हो गए हैं 14। दूसरे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, कितना है? 10। और भारत में टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या 75। और ये कहां से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे रामसर स्थल है जो कि कहां है? ईरान में। और आप ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन होता है जिसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है, और यहीं से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रैक कहां लॉन्च किया गया है? तो पुणे में ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाला ग्रीन ट्रक। अगर बात करें भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन है? तो 10-12 गांव है जो कि कहां से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। अगर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें और चैनल के प्रति अपना आभार प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।